ड्रेड बट देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी टूडे एक्ट डिसाइडेडली एंड टेक द कॉन्सिक्वेंसेज नो गुड इज एवर डन बाउस एंड ट्वेंटी क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स रैपिड जी के यस्टर्डे क्वेश्चन के आंसर्स हैं आर्टिकल वन वन टू है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें मैंशनड है अबाउट बजट आर्टिकल टू डबल सिक्स वन एंड टू सिक्स सेवन वन ये रेस्पेक्टिवली है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए श्री आर के शानमुखम छेट्टी साहब थे ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोर्टी सेवन को आपने फर्स्ट यूनियन बजट प्रजेंट किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं फर्स्ट वेमेन टू प्रजेंट द यूनियन बजट श्री मोरारजी देसाई ने प्रजेंट किया था यूनियन बजट मैक्सिमम टाइम्स एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद रेलवे और यूनियन बजट एक हो गया था अलग अलग हो गया था देन 2016 में डिसाइड हुआ दोनों सेपरेट होगा 2017 में डिसाइड हुआ दोनों एक होगा एंड देन यूनिफाई हो गया है 2017 से तो एक्वर्थ कमेटी ने सेपरेट किया था एंड देन 2017 से रेलवे एंड यूनियन बजट दोनों यूनिफाई हो गए सो दीज आर आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन आज के सवाल हैं ऑफ एनवायरमेंट मेंट इंडिया ने लॉन्च किया है विद विच फ्रेंडली कंट्री अमृत महोत्सव अभी न्यूज में है इट इज देशन ऑफ विच इवेंट स्टार्ट स्ट्रैटेजिकना है लेटेस्टी ये लैब्स तो नहीं होती स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी इज एन अग्रीमेंट बिटवीन विच टू कंट्रीज गोविंद बल्लभ पंत जी हैं आप रिसेंटली न्यूज में थे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैं नेम द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एंड इन विच ईयर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इस साल के पोस्टपोन हो गए थे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सो आर सिक्स फॉर टूडे आज की वो कैबुलरी है ट्रीजन मतलब क्राइम क्राइम ऑफ अटैकिंग स्टेट अथॉरिटी स्टेट अथॉरिटी टू विच वन ओज अलीजियंस राज्य के खिलाफ दिस अटैक करना स्टेट अथॉरिटी दैट इज कॉल्ड दिस ट्रीजन का मतलब होता है ये इंप्लाई करता है कि इसका नतीजा ये होगा कॉन्सिक्वेंस और कंडीशन टर्निंग वर्ल्ड वॉर वन के नेचर को टर्निंग द टाइड्स नेचर चेंज हुआ इवेंट्स ऑर्थोडॉक्स है मतलब कंजर्वेटिव है ट्रेडिशनल स्काई इज द लिमिट दैट मीनस that there are no limit and that anything is possible you can achieve anything if you really want to work hard work systematically work regularly discipline sky is the limit for you if you come across any other important word write down that word along with its meaning in the comment section down below आज के टॉपिक्स हैं अमेजॉन फ्यूचर रिलायंस डील को हम रिविजिट करेंगे रिसेंट क्या डेवलपमेंट हुआ है दिस इज अबाउट म्यांमार आज अच्छे से समझते हैं म्यांमार में क्या डेवलपमेंट हो रहा है एंड इंडिया एंड म्यांमार रिलेशन दिस इज यूनियन बजट पे कमेंट्री है इट्स गुड बाई टू फिजिकल ऑर्थोडॉक्सीमल बजट फॉर एबनॉर्मल टाइम्स यूएस इंडिया एंड दिस इज अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फोर्सेज जल जीवन मिशन फिर से न्यूज में है अट्ठारह सो बानवे में आ गए हम भारत परिषद अधिनियम

सिंगापुर आर्बिट्रेशन है ये एनफोर्सिएबल इन इंडिया ये बात यहां पे कहा है न सी ये न्यूज डेवलप हुआ था 26 अक्टूबर 2020 को डे 300 हंड्रेड था इस दिन और हमने पढ़ा था फ्यूचर रिलायंस इंडिया लिमिटेड अमेजोन के बारे में और ये दूसरे टॉपिक्स भी पढ़े थे क्विकली अगर हम इसको रिकैप करें तो जो फ्यूचर रिलायंस इंडिया लिमिटेड डील क्या था सी किशोर बियानी है किशोर बियानी का ग्रुप है फ्यूचर रिटेल फ्यूचर रिटेल जो ग्रुप है इसने सेल किया सुपर मार्केट चेन बिग बाजार प्रीमियम फूड सप्लाई यूनिट फूड हॉल और फैशन एंड क्लोथ्स ब्रांड फैक्ट्री इसको सेल किया होलसेल यूनिट्स मुकेश अंबानी ओन्ड रिलायंस रिटेल को तो किशोर बयानी फ्यूचर लेड ने फ्यूचर रिटेल ने यह सेल कर दिया रिलायंस इंडिया लिमिटेड को बट द पॉइंट इज इस डील से पहले पिछले साल ही फ्यूचर रिटेल ने साइन किया एक 2000 करोड़ रुपए का डील फॉर अमेजॉन टू अक्वायर फोर्टी नाइन परसेंट स्टेक इन फ्यूचर कूपन मतलब फ्यूचर रिटेल में फोर्टी नाइन परसेंट फ्यूचर कूपन में अमेजॉन ने यहां पर स्टेक्स लिए प्रमोटर फॉर्म ऑफ फ्यूचर रिटेल बन गया अब अमेजोन ने क्लेम किया कि आपकी हमारे साथ लास्ट ईयर ही डील हो गई थी आपने फिर रिलायंस इंडिया लिमिटेड को यह क्यों सेल किया आपने जो सेल किया फ्यूचर रिटेल का रिलायंस इंडिया लिमिटेड को तो ये जो प्रैक्टिस है ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स का वायलेशन है ऐसा अमेजॉन ने क्लेम किया आपने हमें बताया भी नहीं कि आप सेल करने वाले हो आपने हमें कॉल ऑप्शन नहीं दिया हम अपना फोर्टी नाइन परसेंट का शेयर होल्डिंग इंक्रीज भी कर सकते थे आपने नॉन कॉम्पिट क्लॉज का ध्यान नहीं रखा आपने हमें राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल नहीं दिया कि पहले आप हमसे पूछते कि आप बेचने वाले हो अगर हम मना करते तो फिर आप किसी और को बेचते तो देयर आर सर्टेन इरेग्यूलैरिटी तो इस बात पे फिर अमेजोन गया सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में उसने बोला कि एस आई ए सी ने कहा कि ये जो डील हुआ है फ्यूचर और रिलायंस में इसको हॉल्ट किया जाए दिस इज नॉट राइट अब बात तब ये आई थी कि क्या सिंगापुर का ये जो बॉडी है ये इसका एनफोर्सिएबल होगा इंडिया में एज सच तो एनफोर्सिबल होती नहीं है ये चीज़ें बट यूजअली बिजनेस सर्कल में इसको रेस्पेक्ट किया जाता है डिसीजन को बिकॉज इन दी एंड बिजनेस फिर इसी ग्रुप में करना है इधर ही इन्हीं लोगों के साथ करना है तो देर इज एन इनफॉर्मल कंसेंसस होता है कि रेस्पेक्ट किया जाएगा बिजनेस हाउसेस सच टाइप ऑफ ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर अब इस पर फिर फर्दर कोर्ट्स में जाएंगे बात होगी तो ये रिटेल टसल अभी चल रहा है 2019 में अमेजोन ने अक्वायर किया था स्टेक फ्यूचर कूपन में ई कॉमर्स फर्म ने कहा फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल है इन एनी स्टेक सेल इन फ्यूचर रिटेल तो फ्यूचर रिटेल ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड को क्यों सेल किया पहले हमसे क्यों नहीं पूछा फिर फ्यूचर ग्रुप ने अनाउंस किया अग्री टू सेल बिजनेस इंक्लूडिंग रिटेल एंड होल सेल रिलायंस को दिया अगस्त 2020 में अक्टूबर 2020 में फिर ये डिसीजन आया था सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का उसने स्टे लगा दिया था फ्यूचर रिलायंस डील पे और इस न्यूज़ को फिर हमने ये कवर किया था फ्यूचर ग्रुप मूव्स कोर्ट टू प्रिवेंट अमेजोन फ्रॉम ब्लॉक द डील बट कोर्ट ने यहां पर कहा कि एस आई ए सी का जो डिसीजन है उसको रेस्पेक्ट करना है हाईकोर्ट ने इंटरम रिलीफ दिया है अमेजोन को ई e कॉमर्स को डायरेक्ट किया है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को कि आप मेंटेन करो स्टेटस को विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ इट्स रिटेल एसेट्स टू रिलायंस रिटेल कोर्ट ने प्राइमा फेसी का प्राइमा फेसी मतलब पहले दृश्य में देखने में ऐसा लग रहा है इमरजेंसी आर्बिट्रेटर द सेम मैनर एज एन ऑर्डर ऑफ दिसम बिंग इसमें अभी यही न्यूज है कि जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर है इसका जो ऑर्डर है वो एनफोर्सिबल रहेगा फ्यूचर रिलायंस रिटेल का जो डील है वो भी स्टे रहेगा अमेजोन की यहाँ पे विन हुआ है रिलीफ विंस रिलीफ हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है फ्यूचर रिलायंस की डील पे ये न्यूज़ आगे और भी डेवलप होगी इसको हमें रिविजिट करना है अब इस टाइप की न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे एक तो बिजनेस हम इंडिया में मल्टी नेशनल कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं एफ को इनवाइट कर रहे हैं बिजनेस इंडेक्स हम अप करना चाहते हैं बिजनेस सेंटिमेंट्स रूल ऑफ लॉ रेगुलेशन फेयर प्ले आर्बिट्रेशन ये सारी चीज़ें एक स्ट्रॉग पॉइंट होता है इन्हीं को देख के फॉरन की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाती है सो दैट इज़ वाई रूल ऑफ लॉ जो है उसको हमें यहाँ पे फेयर प्ले एस्टेब्लिश करना है दिस इज द थिंग दिस इज फार्मर प्रोटेस्ट अप्रोव इन पार्लियामेंट और ये न्यूज़ है सु की पार्टी डिमांड्स हर रिलीज नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस म्यांमार इशू इसमें आगे बहुत सारे दूसरे आर्टिकल्स भी हैं आई हैव कवर्ड ऑल द आर्टिकल्स इन दिस वन नोट सी ये हमारा इंडिया है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है और ये जो कंट्री है दिस इज़ म्यांमार ये म्यांमार कंट्री है दिस इज़ म्यामार बर्मा इसका पुराना नाम था म्यांमार अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है वो इसलिए है कि जैसे देखिए हमें नॉर्थ ईस्ट जाना है तो यहाँ हमको प्रॉब्लम आता है कि ये कॉरिडोर बहुत नैरो है हमारी जो, जो, जो जोग्राफी है वो ऐसी है कि नॉर्थ ईस्ट का रीच बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बाय दिस ग्राउंड तो वॉट वी शुड डू या तो हम बांग्लादेश के साथ टाइज करते हैं कि बांग्लादेश हमें अलाउ करे कॉरिडोर दे नॉर्थ ईस्ट का एक्सेस का एक और रास्ता होता है कोलकाता से हुगली रिवर से आप जाओ सितवे सितवे से आप यहाँ पे पलितवा और पलितवा से यहाँ पर आप इधर आइजवॉल हमारा नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा तो दिस इज़ द वे और इसके लिए म्यांमार इज इम्पॉर्टेंट सेकेंड म्यांमार इम्पॉर्टेंट है बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में अगर इंसर्जेंसी है एक्सट्रीमिस्ट हैं इनको चेक करने के लिए म्यांमार आर्मी का सपोर्ट भी ज़रूरी होता है तो दिस इज़ म्यांमार अब म्यांमार में डेमोक्रेसी होगी इंडिया भी डेमोक्रेसी है तो हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे इसीलिए ओंग सॉन्ग सूकी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट तो मिलिट्री भी इम्पॉर्टेंट है और ओंग सॉन्ग सूकी मतलब डेमोक्रेसी भी इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ वाई इंडिया को बहुत ज़्यादा टाइट रोप चलना पड़ रहा है म्यांमार से डील करने के लिए जो हम लुक ईस्ट पॉलिसी है एक्टिस पॉलिसी है इसमें म्यांमार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अब सी नवंबर 2020 में इलेक्शंस हुए म्यांमार में तीन बड़ी पार्टी है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी एन जो ओंग सोंग ऑंगसौ सुकी की है इनको मिले तीन वोट यूनियन सोलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी है इसको मिले तैंतीस वोट ये जो पार्टी है इसको कहा जाता है ये प्रॉग्जी है आर्मी की म्यांमार में स्पेशल चीज़ ये है कि पहले 2010 से पहले म्यांमार में अक्सर यहाँ पे मिलिट्री रूल ही चला है 2010 में इन्होंने बताया डेमोक्रेसी करना है डेमोक्रेसी करने में आर्मी ने बोला कि कुछ सीट्स जो होगी वो हमारे लिए रिजर्व होगी मिलिट्री के लिए तो ये एक सीट रिजर्व होती है आर्मी के लिए तो वन सिक्सटी अब ये दोनों मिलके माइनॉरिटी में हो गए मेजोरिटी इस पार्टी को आई एन को तो आर्मी ने कहा ये इलेक्शन ही फेयर नहीं है फ्लॉड है और आर्मी ने गवर्नमेंट टॉपल कर दिया ये यहाँ की मिलिट्री है तत्मा डाओ तो ये सेटबैक हो गया म्यांमार में आर्मी ने कू किया म्यांमार सीरियसली अंडर द ग्रेजुअल रिटर्न टू डेमोक्रेसी हम चाहते थे वहाँ डेमोक्रेसी हो बट ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया है एक स्विफ्ट ऑपरेशन में म्यांमार मिलिट्री ने एस्टेब्लिशमेंट ने वाइप्ड आउट अ आउटेट ऑफ द कंट्रीज डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस 2010 से दो हजार तक जो चला वो सब बैक टू जीरो डिक्लेयर कर दिया मिलिट्री रूल अंडर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर एटलीस्ट अर बारह महीने के लिए जनरल मिन ओंग लियांग हैज बीन मेड मेड अ क्लियर हैज क्लियर कि इट इज द मिलिट्री दैट इज इन चार्ज अब ये जो जनरल है ना इनकी भी एस्पायरेशन है सोशल मीडिया में भी पॉपुलर है दिस इज द थिंग बाई अरेस्टिंग प्रेसिडेंट विन माई इन एंड स्टेट काउंसिलर रेस्ट ऑफ द रूलिंग लीग तो मतलब पूरा ही जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको इन्होंने अरेस्ट कर लिया है आर्मी ने मिलिट्री ने न्यूली इलेक्टेड नेशनल असेंबली जो था वो मिलना था नेपिदो में कैपिटल में मंडे को और संडे को ही ये कु हो गया तो आर्मी ने क्लेम किया नवंबर जनरल इलेक्शन बिकॉज इरेगुलर है ये पूरा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ही फ्लॉड है ये तीन सौ छियानवे नंबर ही फ्लॉड है तो इसको हम नलीफाई कर रहे हैं अब आर्मी बिकॉज आर्मी यहाँ की डिफरेंट आर्मी है इंडियन आर्मी बड़ी अलग होती है हमारी मिलिट्री बट जो पाकिस्तान की आर्मी भी आप देखो पाकिस्तान की आर्मी भी मोर लाइक अ बिजनेस मैन है देन म्यांमार की आर्मी डेमोक्रेसी में अपने लिए सीट्स रिजर्व रखती है तो देर इज अ डिफरेंट सेटअप यहाँ की नॉमिनेट करती है फोर्थ ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट और रिटेन करती है डिफेंस बॉर्डर इंटीरियर पोर्टफोलियो इंटीरियर पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था कल बताया था पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में सो दिस इज द थिंग अब प्रॉब्लम यह है चाइना की यहां पे बैकिंग है यूएस का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है डेमोक्रेट्स हैं प्रो डेमोक्रेटिक है इनके सेटल होने से पहले ही यह क्यू हो गया 2015 में डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी रोहिंग्या एक बहुत बड़ा इशू है अब इसमें ऑंग सॉन्ग सूकी का जो काम करने का तरीका था वो भी बहुत ऑटोक्रेटिक स्टाइल था इससे भी यहाँ पे बहुत रिसेंटमेंट आया था रोहिंग्या इश्यूज को जैसे डील किया ऑंग सॉन्ग सूकी गवर्नमेंट ने उससे भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इनको नोबेल प्राइज मिला है बट इनका ह्यूमन राइट्स ग्रॉस वॉयलेशन हुआ यहाँ पर जियो पोलिटिकल रियालिटीज़ हैं इंडिया को अब बहुत प्रैक्टिकल एंड प्रागमेटिक होके सोचना है मिलिट्री हो या डेमोक्रेसी हो हमें इंडिया के इंटरेस्ट पहले देखने हैं इंडियाज इंटरेस्ट फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट को सेफ करना ज़रूरी है इसमें म्यांमार की मिलिट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया साउथ एशियन पावर भी है और इंडिया यू की अभी टेम्प्रेरी इस सीट पे भी है इक्कीस बाईस दो साल के लिए तो इंडिया का क्या स्टैंड होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दिस ऑंगसोंग सुकी इन म्यांमार डेवलपमेंट में ओंगसोंग सूकी की बात करें तो ये 1988 इनका एजुकेशन भी इंडिया में हुआ है देन 1988 में इन्होंने ये पार्टी बनाया डेमोक्रेसी का फेवर करने के लिए डेमोक्रेसी के लिए इन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स किए इनको प्रोवाइड किया गया नोबेल प्राइज़ फॉर नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के लिए फिर इसके बाद नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्मी एंड दिस डेमोक्रेसी दोनों में क्लैशेज होते रहे फिर बात हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा 2015 में एक डूबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टाइप बना मतलब मिलिट्री भी है और डेमोक्रेसी भी है दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश किया फिर प्रॉब्लम आ गया रोहिंग्या विलेजेस का और इसमें जो आर्मी का रोल था और आंकसोंग सूखी उस पर साइलेंट रही इस पर क्रिटिसिज्म हुआ नोबेल प्राइज़ पे सवाल उठे फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन्हें लेके गए फिर फाइनली ये अभी यहाँ पे कू हो गया 2020 इलेक्शन के बाद तो दिस इज़ म्यांमार म्यांमार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज एक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नेबर है और ये हमारा गेटवे है नॉर्थ गेटवे है ईस्ट एशिया के लिए एशियन कंट्रीज़ के लिए एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं सारी कंट्रीज़ के नाम बताइए टेन एशियन कंट्रीज म्यांमार भी है सो दिस इज़ द म्यांमार डेवलपमेंट अभी सिचुएशन काफ़ी फ्लूड है जैसे जैसे न्यूज़ डेवलप होगी हम उसको फॉलो करेंगे एंड विल फॉलो द स्टेटमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो 2010 में ये एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी का 2020 आते आते ये बैक टू जीरो हो गया नाउ हम प्रिपेयर करते हैं एक नोट ऑन इंडिया म्यांमार रिलेशन अब जब भी ऐसा टॉपिक है ना इसमें आप अलग अलग एंगल से देखो सोसाइटी हिस्टोरिकल कल्चरल इकोनॉमिक सिक्योरिटी बिजनेस पीपल टू पीपल जियो स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड में क्या है टेक्नोलॉजी में क्या है इस तरीके से अलग अलग हेड्स में ट्राई टू थिंक एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडिया म्यांमार रिलेशन अब जो इस टाइप के नोट्स हैं उसमें भी जो करंट है ना उसका पर्सन ज़्यादा रखिए हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं दैट इज़ गुड बट करंट जो हाल में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके लिए भी आप एक प्रॉपर स्पेस रखिए ये नहीं कि सब पुरानी जो बातें हैं स्टैटिक वो ही लिख रहे हैं उसको डायनामिक भी बनाना है सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे सो पॉवर इज बैक सो अब जो नेक्स्ट है दैट इज फ्री लांसक्राइब फॉर्म आज स्टिल कंटिन्यू है ये एडिटोरियल है पोल पॉट एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी होना चाहिए बट जब इलेक्शंस आते हैं और बजट भी अगर उस टाइम पे आ रहा है तो अक्सर देखा जाता है स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन है जिस जगह स्टेट असेंबली में इलेक्शन होने वाले हैं उनको स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है बजट में पोल तो केरला तमिलनाडु असम वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं और बजट में क्लियरली देखने को मिलता है कि इनका काफ़ी ख्याल रखा गया है द बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स अब दैट्स अ फैक्ट बट इट शुड नॉट बी प्रडिक्टेड एंटायरली ऑन इमीजिएट इलेक्ट्रोरल कैलकुलेशन यहाँ जो ओवरऑल हम देखें ना यूनियन बजट जो प्रेजेंट हुआ है इसमें ओवरऑल पॉजिटिवली ही लिया है सब ने इसे मार्केट ने एंड क्रिटिक्स ने भी देर आर सो मेनी गुड थिंग्स जैसे सर्कमस्टांस थे उसके हिसाब से दिस बजट इज रियली गुड अब यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जैसे केरला में कोची मेट्रो की बात किया एन एच सिक्सटी सिक्स बनाना है हमें देन असम awesome में प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे एलोकेट हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात किया वेस्ट बंगाल में सोनार बांग्ला की बात किया तमिलनाडु को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज दिया चेन्नई मेट्रो रेल की बात है टी ट्राइब्स एक्स टी ट्राइब्स वर्कर्स के बारे में सोचा गया तो बजट में क्लियरली एक टोन दिखा है कि जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हैं उसको भी एड्रेस किया है यहाँ पर उनके एस्पायरेशन नो सी कल हमने देखा था इंडिविजुअल लेवल पे एंड बड़े लेवल पे बजट इज समथिंग अगर जैसे ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं तो देयर विल ऑलवेज बी सम क्रिटिसिजम बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सब लोगों को लिमिटेड मनी में लिमिटेड रेवेन्यूज में उनके एस्पायरेशंस को एड्रेस कर पाए सो दिस इज गोइंग टू हैपन बट दिस इज वन थिंग सेकेंड जो था दिस इज सेट बैक इन म्यांमार ये हमने म्यांमार में कवर किया देन ये लीड आर्टिकल है ऑर्थोडॉक्सी ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है बहुत ट्रेडिशनल है कंजर्वेटिव है यूनियन बजट में जो इस बार हमें देखने को चीज़ें मिली वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स भी नहीं थी इट्स गुड बाय टू फिजकल ऑर्थोडॉक्सी फिजिकल ऑर्थोडॉक्सी मतलब आमदनी खर्चा इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए फिजकल प्रूडेंस होना चाहिए फिजकल मैनेजमेंट की बात होता है एफ आर बी एम है बट इस बार बजट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए फिजकल ऑर्थोडॉक्सी किया गया फिजिकल डेफिसिट को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज ड्यूटीज़ ऑन सम इम्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट and फॉस्टर डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाहर से जो इम्पोर्ट हो रहा है सौ रुपये का इम्पोर्ट था गवर्नमेंट ने सौ रुपये ड्यूटी लगा दिया तो इम्पोर्ट हो गया दो सौ रुपये का इंडिया में वो चीज़ डेढ़ सौ में बन रही है तो डोमेस्टिक मैनुफैक्चर को इससे फ़ायदा होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो ये टेक्टिक्स होती है हम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा देते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देते हैं टैरिफ बैरियर लगा देते हैं खुद की इकोनॉमी को सेफ करने के लिए तो ये इस बार बजट में देखने को मिला इंट्रोड्यूस किया परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव पी एल आई डेजिग्नेटेड सेक्टर्स में और काउंटर है ये मार्केट इकोनॉमिक्स में अब सी हम क्यों बोल रहे हैं कि डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है नेशनलिस्टिक टेंडेंसी आर ऑन राइज तो ये एक चीज है नेशनलिस्टिक टेंडेंसी सेकेंड गवर्नमेंट हाउ एवर हैप्पी टू एडेर टू अदर एलिमेंट ऑफ मार्केट ऑर्थोडॉक्सी जैसे कि हमें प्राइवेटाइजेशन करना है हमें एफडीआई करना है तो ये कंजर्वेटिव चीज़ें हैं जो इकोनॉमिस्ट नॉर्मली बोलते हैं तो एक तरफ तो हम कंजर्वेटिव भी हैं और दूसरी तरफ हम डेवियंस हैं फ्रॉम दिस कंजर्वेटिव फिजकल ऑर्थोडॉक्सी से दूर भी है तो दैट इज वाई दिस बजट इज अ काइंड ऑफ मिक्स फिजकल कंसोलिडेशन की बात हुआ फिजिकल डेफिसिट साढ़े चार परसेंट ऑफ जी तक लाना है दो हजार तक एफ को भी हमें कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है वॉशिंगटन कंसेंसस था एक टर्म इसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मतलब ओवरऑल हेल्थ ऑफ कंट्री कंट्री की इकोनॉमी पूरे कंप्लीट लेवल पे नेशनल लेवल पे तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना जरूरी है मतलब बहुत ज़्यादा डेफिसिट उधार तो नहीं हो रहा है रेवेन्यू जनरेट भी हो रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है मोनिटरी पॉलिसीज एसेट्रा फिजिकल पॉलिसी ये पूरी चीज़ें आएंगी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में ऑस्टेरिटी करने की कई बार सलाह भी दी जाती है ऑस्टेरिटी मतलब ज्यादा खर्चे भी नहीं करने हैं देख के खर्चा करना है जितना इनकम उतना खर्चा इट मीन्स गवर्नमेंट बजट नीड्स टू बी ब्रॉडली इन बैलेंस सो दैट बोरोविंग टू फाइनेंस आर कैप्ड टू मिनिमम इसका क्या मतलब है खर्चे हुए आमदनी हुई जो गैप हुआ वो था फिजिकल डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट के लिए आपको बिकॉज कहीं से पैसे लेने वो होगा बोरो उधार ये उधार बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए ये उधार अगर ज्यादा होगा तो आपकी रेटिंग्स खराब हो जाती है माइक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ जाती है अब ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने कहा है इफ द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द गवर्नमेंट इज लेस देन द ग्रोथ रेट देन द इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट फेसिंग द गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर बाइंड्स अब इसका क्या मतलब है उधार आपने लिया पर उधार का रेट अगर से पांच परसेंट पे उधार मिल रहा है पर उस उधार के पैसे से आप अच्छा काम करोगे तो दस परसेंट की ग्रोथ आप ले लोगे तो डिफरेंस आया ना तो ओवरऑल तो फायदा हो गया पांच परसेंट का तो इस केस में ये उधार लेना इज ओके इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट मीन्स एनी डेट आउटस्टैंडिंग टूडे मस्ट बी ऑफसेट बाय फ्यूचर प्राइमरी सरप्लसेस जैसे आप बहुत सारे स्टार्टअप का भी स्ट्रैटेजी देखना शुरू में ये लोग क्या करते हैं कैश बर्न करते हैं खूब खर्चा करते हैं खूब अच्छे से दिस एक्सपेंडिचर करते इनकम नहीं है ये सब इनकम नहीं है इनको एक रुपये कमाने के लिए दो रुपये खर्च करना पड़ रहा है बट दे डू दिस वाई बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे वॉन्ट दिस मार्केट कैप्चर दे वॉन्ट दिस मोनोपोली दे वॉन्ट टू कंसोलिडेट देयर पोजिशन जब ये हो जाएगा दूसरे प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएंगे उसके बाद वो उसको मोनिटाइज करेंगे और प्रॉफिट्स अर्न कर लेंगे तो आप अक्सर देखना पाँच साल तक कंपनी घाटे में है सिक्स ईयर में उसको स्काई रॉकेट हो जाता है खूब फ़ायदा होता है दिस इज ऑल्सो वन स्ट्रैटेजी इंटरेस्ट रेट ग्रोथ differentials होते हैं मतलब आपने कितने में उधार लिया और उस उधार के पैसे से कितना ग्रोथ कर रहे हैं अगर ग्रोथ ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से देन इट इज ओके टू टेक उधार IMF, World Bank वर्ल्ड बैंक बोलती है खर्चे ज़्यादा करो जैसे गवर्नमेंट में भी लास्ट ईयर जो बजट आया था इस बार भी टेंडेंसी है कि स्पेंड मोर खर्चा ज़्यादा करो टू मच ऑफ डेट अब ज़्यादा खर्चा होने से क्या होता है रेटिंग्स खराब हो जाती है रेटिंग डाउनग्रेड होता है इन्फ्लेशन बढ़ता है अगर ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाती है इन्फ्लेशन आता है तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाती है इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं दूसरा कंसर्न है टैक्स टू जी डी रेशियो इंडिया का इम्प्रूव नहीं हो रहा है ऑलमोस्ट ही बना हुआ है सेल करने की बात है डिसइनवेस्टमेंट करने की बात है स्पीड बहुत स्लो है जैसे एयर इंडिया हम कब से सोच रहे हैं बेचने का बट हम बेच ही नहीं पाते हैं कोई खरीदार नहीं है सो दिस इज़ द थिंग जॉब लॉसेस भी होते हैं जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो प्राइवेटाइजेशन इज़ ऑल्सो नॉट अ पेनेशिया कि प्राइवेटाइजेशन करने से सब सही हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन करने से इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी आ सकती हैं नौकरियां आ जाएंगी और इससे बैकलैश भी हो सकता है तो ये कुछ थीम्स हैं ये कुछ आइडियाज़ हैं जो यूनियन बजट पर इन्होंने बताया है फिजिकल ऑर्थोडॉक्सी फ़िलहाल के लिए गुड बाय नज़र आ रहा है नौ अपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है माइक्रोक भी पढ़ा है माइक्रो भी पढ़ा है इकोनॉमिक्स इनफैक्ट हमने नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ सारा पढ़ लिया है रीड इट यू विल गेट वेरी गुड इनसाइट्स डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये आप बताओ प्रिपेयर दिस नोट डिफरेंस बिटवीन दीज टू ओके अब ये जो आर्टिकल था ना ये आर्टिकल लिखा था टी टी राम मोहन प्रोफेसर हैं आई एम अहमदाबाद के अब जो दूसरा आर्टिकल लिखा है ये लिखा है एम सुरेश बाबू जी ने ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स आईआईटी मद्रास में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है वंस अगेन सी नॉर्मल बजट है एबनॉर्मल टाइम्स में एबनॉर्मल टाइम्स मतलब बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के कारण डिप हुआ था हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन का बजट सोच रहे थे बट फिर भी बजट ने काफ़ी हद तक नॉर्मल सी दिखाई है कॉन्ट्ररी टू तो एक्सपेक्टेशन बजट ने मेनटेन किया है इंक्रीमेंटलिज्म कंटिन्यू विद बिज़नेस एज यूजल ये जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारी जो टेंडेंसी होती है अक्सर जैसे सिविल सर्वेंट्स भी स्टूडेंट सेलेक्ट होके जाते हैं बड़ा जोश रहता है वो सोचते हैं मैं एक ही दिन में सारा सिस्टम बदल दूंगा वो नी जर्क रिएक्शंस भी लेते हैं नी जर्क डिसीजंस भी लेते हैं विम्जिकल भी होते हैं कई बार मर्क्यूरियल होते हैं दे थिंक कि दे विल चेंज द सिस्टम इन वन डे ऐसा होता नहीं है हमेशा जो चेंजेस होने चाहिए वो होने चाहिए ग्रेजुअल ग्रेजुअल इंक्रीमेंटलिज्म होना चाहिए एक दिन में यहाँ से आ, जैसे अर्थक्वैक होता है टेक्टोनिक्स फियर्स ट्रेमर्स आएंगे सो दैट इज वाई ऑलवेज ट्राई फॉर दिस इंक्रीमेंटलिज्म धीरे धीरे जो सुधार होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है इंक्रीमेंटलिज्म तो बजट ने मेंटेन किया है इंक्रीमेंटलिज्म कंटिन्यू विद बिजनेस एज यूजल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है बट इट इज़ नॉट सफिशियंट और करना चाहिए था और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ऐसी चीज़ है आज आपने रिजल्ट लिए हैं एक्शन लिए हैं इसका टाइम रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा बट रिजल्ट विल बी गुड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्विक रिजल्ट नहीं होते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में पैसे बढ़ाए हैं एग्जिस्टिंग सिक्स थाउजेंड पर ईयर देन यूरिया में न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी की रिजीम की बात था ये ऐसा अभी तक किया नहीं है रैशनलाइजिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पे फोकस है ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए पी एल आई फाइनेंशियल सिस्टम पे फोकस है इसको स्ट्रेंथन करना है अर्बन एम्प्लॉयमेंट हम सोच रहे थे कुछ आएगा जैसे एम जी नरेगा गांव के लिए ऐसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट होगा बट ऐसा कुछ आया नहीं हाउेवर गिग इकोनॉमी में सरकार ने बहुत फोकस किया है सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट देने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का अभी हमने देखा एक तरफ तो बोल रहे हैं सेंटर और ट्वेंटी एट स्टेट्स के इलेक्शन एक साथ हो अब जो बजट आता है उसमें स्टेट्स को टारगेटेड बेनिफिट भी है तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट नहीं होगा एडहॉक पॉलिसी शॉक्स नहीं लिए हैं एडहॉक डिसीजन नहीं है इसको अवॉइड किया है विच इज अ गुड थिंग और स्टॉक मार्केट में भी इसके दिस पॉजिटिवली इसको लिया है बजट को तो ये अगेन कुछ पॉइंट है नॉर्मल बजट है अब टाइम्स में दिस इज यूएस एंड इंडिया यूएस में अभी कैपिटल में सीन हुए और इंडिया में दिल्ली रेड फोर्ट में हुए विच इज नॉट गुड एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी है दिस इज नॉट गुड बूटिंग आउट पार्शल डेमोक्रेसी म्यांमार की अगेन न्यूज है काफी वॉलोटाइल हो रही है सिचुएशन अभी यहाँ पे ऑन द अलर्ट ऑलवेज दिस इज अबाउट एक्सट्रीमिज्म कुछ दिन पहले हमने इसका पीडीएफ भी देखा था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का आई हैव शेयर्ड दैट इन टेलीग्राम हैव अ लुक फाइल्स में आगे आप देखोगे ना टेलीग्राम में तो एक साथ सारी फाइल्स आपको वहां पे नजर आ जाएंगी सो दिस इज ऑन अलर्ट ऑलवेज यहां बात है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से इंपैक्टेड स्टेट्स हैं फोकस अभी हम देखें इस आर्टिकल में तो वो है यहाँ पे जो फोर्सेज फाइट कर रही है सी जो है या फिर कोबरा कमांडो हैं इनको भी ह्यूमैन कंडीशन वहां पे मिलनी चाहिए फैसिलिटीज बेसिक्स मिलनी चाहिए वहां पे अदरवाइज यहाँ पे भी वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और काफ़ी कुछ ऐसे केसेस भी आए हुए हैं कि जो जवान है वो ब्रेकडाउन हो जाता है सो कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन ये है सी आर पी एफ यहाँ पे काम करती है और ये डॉग्स हैं बेल्जियन डॉग्स कुड हेल्प आई ई कमांडो आउटफिट्स हैं ग्रे हाउंड हैं एंड झारखंड के जगुआर्स हैं इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है द पॉइंट इज फोर्सेज जो होती है ना इसका मोरल अप रहना चाहिए मोरल अप होना चाहिए पॉजिटिव मोरल हाई होना चाहिए मॉरेल डाउन होता है तो फोर्सेस फाइट नहीं कर पाती बेसिक फैसिलिटीज़ देना भी ज़रूरी है इंटीग्रेशन जरूरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अब जब भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात आती है इसमें हमारी टू प्रोन्ज मेथड है एक प्रोन्जड है कि जो एल डब्ल्यू ई है जिन्होंने वेपन्स उठाएं उनको डिस्करेज करें सेकेंड इसका रीज़न क्या है रूट कॉज क्या है कि उनको वेपन्स उठाने पड़े रूट कॉज है कि यहाँ पे गवर्नेंस प्रॉपर नहीं हुआ फैसिलिटीज़ नहीं हुई यहाँ पे जस्टिस नहीं हुआ सिक्योरिटीज एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ डेवलपमेंट ये सारी चीजें नहीं है तो एक तरफ तो जो वेपन्स है उसको कम करना है और दूसरी तरफ जो रूट कॉज है रूट कॉज ये सारी चीजें हैं इनको एड्रेस करना है दिस शुड बी योर अप्रोच इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सो दिस इज ऑन द अलर्ट ऑलवेज अब आगे बढ़ते हैं दिस इज जस्टिस डिलेड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड अभी एरो शो हो रहा है स्काई इज द लिमिट ंगलुरु में होगा ये मेट्रो ट्रांसपोर्ट सप्लीमेंट्री चार्जेज अमेजोन यूके का जो वेरियंट है म्यूटेशन का वो कॉज ऑफ कंसर्न है अगेन वन थ्योरी मोर विमेन है बताया फिफ्टी सिक्स पॉइंट वन थ्री परसेंट सैरोस मिला है एंटीबॉडीज का विमेन का भी ज्यादा बेटर एफिशिएंसी इम्यूनिटी नज़र आया था कोविड नाइन्टीन में यू जो वुमेन है वो बेसिकली दे आर बेटर और बेटर डिज़ाइंड है इनका सो दे हैव मोर एंटीबॉडीज़ लॉन्जटिविटी भी वुमेन का ज़्यादा होता है रिजाइल भी ज़्यादा होता है यूजुअली डिसीज में स्पुतनिक फाइव वैक्सीन शोज नाइन्टी वन पॉइंट एफिकेसी ये अगेन एक न्यूज़ है सी बी एस ई एग्जाम शेड्यूल इंक्लूड्स डबल शिफ्ट इंडियन नो सी ये एक पोर्ट है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल श्रीलंका में बन रहा था इंडिया एंड जापान भी था प्राइवेटाइजेशन की बात है यहाँ पे वहां पे प्रोटेस्ट हुआ और यह भी कैंसिल हो गया ई सी टी फीएस को इंडियन एनवॉयी घोटाबिया एन महिंदा राजपक्षा दिस श्रीलंकन हेड्स कंटेनर टर्मिनल श्रीलंका में भी चाइना का प्रेजेंस बहुत बढ़ता जा रहा है म्यांमार में भी चाइना का एंगल है नेपाल में भी अभी गवर्नमेंट ऑपर हुई चाइना का एंगल है चाइना के एनवॉयज अभी दे कॉट रेड हैंडेड इन अफगानिस्तान पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना की पॉकेट में दिस इज अगेन वी नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल जल जीवन मिशन टू हेल्प रिवाइव अर्बन अर्बन वाटर वाटर बॉडीज बॉडीज सी जल जीवन मिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्वेंटी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जल जीवन मिशन क्या है नल का जो साफ पानी आता है उसको हर घर में पहुंचाना है पाइप वाटर कनेक्शन बिकॉज अगर क्लीन वाटर होगा तो हम बहुत सारी डिसीजे से ऐसे ही फाइट कर लेंगे अच्छे से अटल मिशन फॉर रिज्यूवनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन इम्पॉर्टेंट जो इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा जे जे एम अर्बन जो है ये प्रमोट करना चाहता है सर्क्यूलर इकोनॉमी ऑफ वाटर। नोट डाउन दिस की वर्ड सर्क्युलर इकॉनॉमी ऑफ वाटर डेवलपमेंट ऑफ सिटी वॉटर बैलेंस प्लान फोकस करें रिसाइकिल में रीयूज में ट्रीटेड सीवेज का और रिजुवनेशन ऑफ वाटर बॉडी जैसे लेक्स होते हैं अक, होते हैं अक्सर शहरों में इनको रिजुवनेट करें वाटर बॉडीज को और वाटर कंजर्वेशन को भी बढ़ाएं तो एक तरफ तो वाटर को जुडिशली यूज करना है दूसरा वाटर को भी कंजर्व करना है रिसाइकल करना है वाटर बॉडीज भी हेल्दी बनाना है ये पूरा मिशन है जल जीवन का कल वेटलैंड डे भी था आई शेड वन फाइल पीडीएफ जो 42 वेटलैंड्स हैं वो सारी याद होनी चाहिए लोकेशन उनकी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आगे बढ़ते हैं दिस इज मैरिज एज की अभी बात चल रहा है गर्ल्स एंड बॉयज 18 फॉर वुमेन 21 फॉर मेन तो इस 18 को भी बढ़ाने की बात है 21 कर दें दिस इज टाटा सफारी न्यू कार जीप कंपस रेनो एंड दिस इज अ ढाबा ऑफिस एक्वा ग्रीन्स म्यांमार में अगेन कंट्रोल कर लिया है ओवर सीजिंग पावर दिस इज मिलिट्री स्टेज ऑफ कू चाइना कॉल ऑल पार्टीज टू सेव गार्ड म्यांमार स्टेबिलिटी चाइना का रोल बाइडन ट्रम्प पॉलिसीज मॉस्को में भी अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं नेवलनी टू प्रिजन फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है नीड ऑफ द आर फॉर्म में भी रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है दिस इज द थिंग इंडियन ऑयल मोनिटाइज करेगी पाइपलाइन एसेट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एल का आई आएगा अक्टूबर में ए का स्टेक सेल होगा बाय सेप्टेम्बर एयर इंडिया देन आई दो अदर्स में एग्जिट पी सी ए बाय मार्च एक्सपोर्ट राइज हुआ है एच डी एफ सी आर बी आई ने एच डी एफ सी का डेटा लिया सेंसेक्स सर्ज किया टू पॉइंट फोर सिक्स परसेंट बजट मोमेंटम गुड साइंस एंड दिस इज स्पोर्ट्स इंग्लैंड की टीम अभी इंडिया में है नाउ ना लेटस है लुक एट इंडियन एक्सप्रेस दिस इज अबाउट दिस कंटेनर टर्मिनल ईस्ट कंटेनर टर्मिनल सिटी न्यूज है सेंट्रल रिज हेक्टर रीस्टोर करें 400 हंड्रेडर हेक्टर्स ऑफ सेंट्रल रिज दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क एल एस सी ब्रॉड स्टेबिलिटी एम्बिशियस इंडिया इंडिया एंड फ्रांस का कन्वर्जेंस सूकी की पार्टी डिमांड्स हर रिलीज रिकोगशन ऑफ विक्ट्री बट आर्मी ऐसी बात मानेगी नहीं म्यांमार मिलिट्री बैक इन पॉवर डिकेड आफ्टर जनताज एंड दस साल का प्रोग्रेस डेमोक्रेसी का बैक टू जीरो ट्रम्प इम्पीचमेंट रीमेकिंग द बैंक बैंक को रीमेक करें रिकन्सॉलिडेट करें रिकैपिटलाइज भी करें और एक बैड बैंक है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रूल बाय सर्कुलर सीरियसली स्लिम और ये है नो वैक्सीन फॉर इकोनॉमी यहाँ एक और बात है कि हम जैसे पहले आई सी आई सी आई था ये सारे बैंक थे इस टाइप के बैंक जो थे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते थे बाद में ये बैंक बन गए फाइनेंस डी की फिर से बात है डेवलपमेंटल फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन थे वो वापस रीमेक करने की बात है फाइनेंस डेवलपमेंट बिकॉज कैपिटल में हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क करना है डी रेलमेंट इन नेबरहुड हुआ है ये जो हुआ है म्यांमार में द फॉर्म का रियलिटी चेक लॉज वे टू ग्रो एंड रिफॉर्म ये सब ना रिपीटिव न्यूज है जो हमने कॉन्टिन्यूसली देखा है अभी प्राइवेटाइजिंग ग्रोथ ओवर फिजिकल कंसिडरेशन वॉशिंगटन फुल सर्कल फॉर सूकी दिस इज़ बैक टू जीरो एंड नाइन्टी वन परसेंट इफेक्टिव है ए आर सी पी एस बीज पब्लिक सेक्टर बैंक ए आर सी में कोई नो गवर्नमेंट इक्विटी नहीं होगा एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट बैंक्स टू अप सेंसेक्स जम हुआ जम्प हुआ टू पॉइंट फाइव परसेंट स्टे लग गया है फ्यूचर रिलायंस डील में डीजल कंजम्प्शन कम हुआ है डीजल कंजम्प्शन ज़्यादा है ज़्यादा है कम है श्रिंकिंग ये अब हिंदी आर्टिकल देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम सी अधिनियम तो हमने लास्ट क्लास में देखा था अब हम आ गए हैं 1892 में 1861 नाउ वी आर इन 1892 अब एक और आएगा नाइनटीनो नाइन तो अठारह का भारत परिषद अधिनियम अब क्या है ग्रेजुअल और अब डिसन बढ़ता जाएगा इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई गैर सरकारी बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई पर बहुमत कौन का होगा सरकार का ही होगा Second point, इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी अधिकृत किया तो बजट हुआ और दिस क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव बजट पे बहस हुआ और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी अधिकृत कर दिया विधान परिषद के जो ये कार्य हैं। हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए नॉमिनेट करने के लिए वाइस राय की शक्तियों का प्रावधान था इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद नगर पालिका विश्वविद्यालय व्यापार संघ जमींदार चैंबर ऑफ कॉमर्स कि सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी तो यहाँ पे क्या हुआ नॉमिनेशन का दिस वाइस रॉय और प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर का दिस इनमें इनको प्रावधान दिया गया तो ये तीन बड़े पॉइंट्स हैं पहला साइज बढ़ाया दूसरा बजट डिस्कशन एंड क्वेश्चन एंड थर्ड इज दिस पावर ऑफ नॉमिनेशन इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दो दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया चुनाव वर्ड यूज नहीं किया था बट एक काइंड ऑफ इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आने लग गया है चुनाव एस सच वर्ड यूज नहीं हुआ बट कॉन्सेप्ट आ गया तो कॉन्सेप्ट कब आया था 1892 का भारत परिषद अधिनियम में चुनाव का कॉन्सेप्ट सो दिस इज 1892 अब हम नेक्स्ट में 1909 पढ़ेंगे अब सी सेट देखते हैं पहला सवाल बड़ा आसान था जब भी हमें एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम देखना है टोटल टाइम ब्रेक होगा

इससे आएगा x इज इक्वल टू साढ़े बारह किलोमीटर पर आवर अब x पता लग गया तो आप इसको फर्स्ट ट्रेन मतलब सेवन एक्स में डाल दो तो एटी सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आवर थर्ड क्वेश्चन अगर वो थ्री किलोमीटर पर आवर से चल रहा है मान लेते हैं ऑफिस की डिस्टेंस x है तीन किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन दिस स्पीड x बाय थ्री और बीस मिनट अभी लेट पहुंचा ये लेट पहुंचा मतलब माइनस ट्वेंटी टाइम टेकन टी टू अगर फोर किलोमीटर पर आ रहा है तो कितना हो जाएगा एक्स बाय फोर और अब तीस मिनट अर्ली पहुंच गया मतलब थर्टी प्लस तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ इस केस और इस केस में टाइम का ये अर्ली है ये लेट है तो दोनों ऐड हो जाएगा तो थर्टी प्लस ट्वेंटी दैट इज़ फिफ्टी मिनट बट एक्स बाय थ्री माइनस एक्स बाय फोर है वो भी फिफ्टी मिनट ही होना चाहिए तो एक्स बाय थ्री माइनस एक्स बाय फोर मिनट को आर में डिवाइड करेंगे सिक्सटी तो आर हो जाएगा तो फाइव बाई सिक्स तो एक्स इज इक्वल टू टेन किलोमीटर तो ये तीन सवाल हैं प्रैक्टिस इनको एक बार अच्छे से देख के प्रैक्टिस दैट इससे मिलते जुलते बहुत सारे दूसरे सवाल भी हो जाएंगे आज के सवाल है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस इज सिक्सटी किलोमीटर पर आ इंक्लूडिंग स्टॉपेजेज एवरेज स्पीड ऑफ द बसेस फोर्टी किलोमीटर पर आ तो आप बताओ हाउ मेनी बस स्टॉप पर आवर वेरी गुड क्वेश्चन थिंक लॉजिक टू मैन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम प्लेस एक्स वॉकिंग एट फोर एंड हाफ किलोमीटर पर आवर एंड फाइव थ्री बाई फोर किलोमीटर पर आवर हाउ मैनी किलोमीटर अपार्ट दे आर एट द एंड ऑफ थ्री एंड हाफ आवर दोनों की शुरुआत एक ही थी एक की इतना स्पीड था दूसरे का इतना स्पीड था इतने घंटे के बाद दोनों का डिस्टेंस बताना है कितना अपार्ट है वो अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं थर्ड है मैन इन अ ट्रेन नोटिस यू केन काउंट फोर्टी वन टेलीफोन पोस्ट इन वन मिनट इफ दे आर नोन टू बी फिफ्टी मीटर अपार्ट

म्यांमार ये भी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है इस पर हमको टैप रखना है देन दिस इज अबाउं अगेन अमेजोन ये भी डेवलपिंग न्यूज है कंप्लीट नहीं हुआ है सो दिस इज थर्ड ऑफ फ़रवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ